नमस्कार दोस्तों, आर एस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का वैकनिक डिजाइन बनाना बताएंगे। तो इस तरह हमने कट किया है, लंबाई आपको जितनी रखना है 1 इंच ज़्यादा ले लीजिएगा। शोल्डर 6 इंच, चार मोल भी 6 इंच। उसके बाद हमें अस्तर और कपड़े दोनों को जोड़ लेना है। तो इस तरह देखिए दोनों को जोड़ लेंगे, उसके बाद गले की कटिंग करेंगे। पहले हमें दोनों पर सिलाइयाँ लगा लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से नीचे वाली तरफ से इसमें बॉर्डर देखिए लगा हुआ है। तो इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे, काटन साड़ी का ये ब्लाउज डिजाइन रहेगा। उसके बाद अब हमें साइड से सिलाइयाँ डाल देनी है। तो अब इस तरह से साइड से भी सिलाई डाल देंगे और अस्तर और कपड़े को इस तरह से तैयार कर लेना है। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से उसे कट कर लेंगे। अब बराबर से फोल्ड करते हुए इस तरह से सीधी लाइनिंग इस पर कर लेनी है। तो ये हम देखिए इस तरह से सीधी लाइनिंग कर लेंगे। अब उसके बाद हमें गले की कटिंग करना है। तो गले की कटिंग बुकरम के ऊपर करेंगे। इस तरह से डबल फोल्ड करके लिया है। गले की चौड़ाई 3 इंच लेंगे। मटके गले पर ये डिजाइन रहेगा, तो चौड़ाई 3 इंच लेंगे और शोल्डर 6 इंच लिया था। 10.5 इंच इसकी लंबाई लेते हुए हमें इस तरह से गले का निशान निकाल लेना है। तो इस तरह से गले का निशान निकाल लेंगे बुकरम के ऊपर। उसके बाद इसकी कटिंग कर लेना है। तो ये हमारे देखिए इस तरह से इस वाली साइड से कर देंगे। उसके बाद देखिए हमारे गले की कटिंग इस तरह से हो गई है। अब हमें इसे कपड़े पर रखते हुए सिलाई डाल लेना है। तो अब देखिए इस तरह से इसे कपड़े पर रखते हुए सिलाई डाल देंगे। बाहर वाली तरफ से कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई डाल देना है। तो ये इस तरह से सिलाई डाल देंगे। उसके बाद अब देखिए इस तरह दोनों निशानों को मिलाकर रखना है। पहले एक सीधी सिलाई डाल लेना है इस पर। तो इस तरह सीधी सिलाई डाल लिया। अब पूरे गले पर जहाँ से गले का निशान है सिलाई डालकर गले को तैयार कर लेना है। पहले सिलाई डालेंगे, उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमने सिलाई डाल ली है। सिलाई डालने के बाद देखिए इस तरह से हमें गले की कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद गले पर कट्स लगा लेना है। पूरे गले पर इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर कट्स लगाएंगे। उसके बाद देखिए ये बुकरम पट्टी को हमें अंदर की तरफ पलट लेना है और गले के ऊपर से एक सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह हमें मटका गला तैयार कर लेना है पहले, उसके बाद इसकी डिजाइन तैयार करना है। तो ये देखिए इस तरह से पूरे गले पर सिलाई डाल देंगे। तो हमने सिलाई डाल दी है। इस तरह से गला तैयार कर लिया है। अब बराबर से फोल्ड करते हुए से इसको रख देंगे। अब हम डिजाइन इस पर इस तरह से बनाएंगे। देखिए पहले हमें ये पट्टी तैयार कर लेनी है, इसको फोल्ड करके सिलाई डाल देना है। ये फ्रिल के लिए लेंगे और फ्रिल रखेंगे 1 इंच की। तो ये हमने 2 इंच लिया है। 2 इंच चौड़ाई लेते हुए कपड़े की लंबाई ज़्यादा लेना है। इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई डाल लेना है पहले। तो इस तरह हमें फ्रिल पट्टी तैयार कर लेना है पूरे गले के लिए। और फ्रिल पर जैसे चुन्नट कम या ज़्यादा डालेंगे उस हिसाब से इसकी लंबाई लेनी है। अब देखिए इस तरह से हमें चुन्नटें डालना है। डायरेक्ट गले पर ही फ्रिल तैयार करेंगे। तो गले पर रखते हुए इस तरह से चुन्नट डालते हुए हमें फ्रिल तैयार कर लेनी है। तो पूरे गले पर इसी तरह से बना लेंगे। तो ये हमने देखिए फ्रिल तैयार कर ली है। अब देखिए बीच में जो डिजाइंस रखेंगे गले के बीच में ये रहेगी। तो इस तरह से लेना है। 6.5 इंच फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई रहेगी और लंबाई 10 या 10.5 इंच ले सकते हैं। गले की चौड़ाई के हिसाब से इसकी लंबाई रहेगी। बाकी सिलाई के लिए भी 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इसे पलटने के बाद अब बराबर से इसको इस तरह से यहाँ पर बांध लेंगे। अब अच्छे से धागे से हमें यहाँ पर बांध लेना है टाइट से। तो इस तरह से देखिए इसको बांध लिया है। अब इसको इस तरह से लगाएंगे।
बराबर से रखते हुए पहले बराबर से मिला लेंगे दोनों तरफ से, गले की चौड़ाई जितनी है फैलाते हुए। तब इस पर सिलाई डालना है, बराबर से मिलाकर एक तरफ से पिन लगा देंगे और एक तरफ से सिलाई डालना शुरू करेंगे। बिल्कुल बराबर मिला लिया हमने, देखिए इस तरह से अब सिलाई इस पर डालेंगे। तो अब इस तरह यहाँ से सिलाई डालनी है। तो ये सिलाई डालकर इसे लगा लिया है। इसे लगाने के बाद अब हमें गले पर देखिए लेस लगाना है। तो ये गोल्डन लेस लेंगे तो इस तरह लगा देंगे। अगर लेस जिन्हें नहीं लगाना है तो इसकी जगह पर कपड़े की पट्टी लगा सकते हैं। अब पूरे गले पर इस तरह लेस लगाकर दोनों तरफ से लेस की सिलाई डाल देंगे। तो ये देखिए हमने लेस लगा लिया है। अब हमें इस तरह से कपड़ा लेना है। ये फ्रिल वाला ही लिया है हमने, वही कपड़ा फ्रिल वाली पट्टी हमारी बच गई थी उसी से डिजाइंस बनाएंगे। चौड़ाई सेम लेनी है, फोल्ड करने के बाद 1 इंच रहेगी और लंबाई इसकी 15 इंच लगभग ले लेनी है। अब इस तरह से देखिए चुन्नट बनाते हुए धागे में डाल लेना है। बिल्कुल टाइट धागे को खींचना है और दोनों साइड पकड़कर सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से देखिए हमने सिलाई इस पर लगा ली है। तो इस तरह डिजाइन ये बन के आएगी। तो इस तरह से डिजाइन बना लेना है और देखिए बनाने के बाद इसको इस तरह से लगाना है। तो यहाँ पर रखते हुए इसको इस तरह से लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से रखते हुए इसको अच्छे से लगा लेंगे और लगाने के बाद हमें एक मोती इस पर लगा देंगे। तो पहले इसको इस तरह से सिलाई डालते हुए देखिए लगा लेना है, उसके बाद इस पर एक मोती लगा देना है। तो अब इस तरह से एक मोती लगा देंगे। तो यहाँ पर ये डिजाइन देखिए हमारी लग चुकी है। उसके बाद अब देखिए नीचे हम इस पर लटकन रखेंगे, तो लटकन लगाएंगे। अगर आप लटकन नहीं लगाना चाहते हैं तो बस गले का डिजाइन तैयार। गले पर फ्रिल पर चाहें तो मोतियाँ लगा दें। अब इस तरह से लटकने बनाकर इस पर लगा देंगे। 3 लटकन बनाएंगे कपड़े की और इस तरह से लगा देंगे। गले पर डोरी नहीं लगेगी, बिना डोरी के ही रहेगा। ये डिजाइंस लगाने के बाद डोरी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नीचे लटकन लगा देंगे। अब इस तरह लटकन बनाकर इसमें मोती डालकर यहाँ पर लगा लेना है। अगर मोती नहीं लगाना है तो इस पर गोल्डन डोरी ले सकते हैं, डोरी पर लटकन बनाकर इसे लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए लगा लेंगे। 1 लटकन हमने लगाई, 2 और लगा लेंगे। लटकन लगाने के बाद ये डिजाइन हमारा तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए हमने 3 लटकने लगा दी है, ये डिजाइन हमारा तैयार हुआ। अब इस फ्रिल पर भी चाहें तो इस तरह से मोतियाँ लगा सकते हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम मोती लगा देंगे, बिल्कुल लेस के पास से ही। तो पूरे गले पर मोती लगा देंगे, उसके बाद प्लेट्स बना देंगे। डिजाइन हमारा तैयार हुआ है। तो इस तरह से मोतियाँ लगानी है, थोड़ी थोड़ी दूर पर करते हुए लगाना है। मोती हमने लगा दी है, अब इसका प्लेट्स बना देंगे। उसके बाद डिजाइन तैयार हुआ हमारा। अगर डिजाइन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू डिजाइन के साथ। धन्यवाद।